हिमानी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उतना ही सुंदर उसका दिल भी था। बस अगर उसे कोई बुरी आदत थी वो थी बिकनी की शॉपिंग करने की। हिमानी को कपड़ों से मैचिंग बिकनी पहनने का बहुत शौक था। किसी के पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितने की हिमानी के पास बिकनी थी, फिर भी उसको वो सब कम लगती। हिमानी का कॉलेज खत्म होने ही वाला था कि एक दिन वो अपनी सहेली रेखा के साथ मिलकर बिकनी शॉपिंग की प्लानिंग करते हुए उसे कहती है, अरे रेखा, मेरे पास तो सब बिकनी ही खत्म हो गई है, मुझे रोज वही पुराने बिकनी पहननी पड़ती है। यार चलना, आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ यार, कैसी बातें कर दी, शॉपिंग के लिए तो कोई गधा ही मना करेगा। पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार दे देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, पर तू मुझे एक हफ्ते में वो मेरे पैसे दे दियो। वैसे कितने पैसे चाहिए? बस यही कोई 5,000। अरे तू पागल है क्या, इतने सारे पैसों की बिकनी कौन लेता है? तो चिक चिक मत कर, अब चुपचाप से पैसे दे दे। हिमानी रेखा से उधार पैसे मांग लेती है और दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जहाँ रेखा अपने लिए कुर्ती, पजामा, जीन्स, टॉप ये सब लेती है, वहीं हिमानी ढेर सारी अलग अलग रंग की बिकनी लेती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और रेखा हिमानी से कहती है, अरे हिमानी कहाँ गायब है, न कॉल उठाती है न मिलती है, और वो मेरे पैसों का क्या हो गया? अरे वो मैं देती हूँ ना कल तक। यहाँ से दे दियो, मुझे जरूरत है। हिमानी को पैसों की चिंता तो होती है, पर उससे ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अब बिकनी की शॉपिंग होगी तो होगी कैसे, और यही बात उसे परेशान किए जा रही थी। उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे। फिर एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड कपिल को मिलने के लिए बुलाती है। क्या हो गया, अब कैसे याद आई तुम्हें मेरी, वैसे तो तेरे पास टाइम ही नहीं होता। यू नो ना, आई लव यू बेबी। अच्छा वो सब छोड़ो, अब जल्दी से मुझे 7,000 रुपए दे दो। 7,000 रुपए? तुम पागल हो क्या, इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई अचानक से तुम्हें? देखो यार, मेरी माना बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मुझे 7,000 रुपए चाहिए, प्लीज दे दो जानू। अच्छा अच्छा, रो मत, ये लो 7,000 रुपए, अब जाओ और माँ का इलाज करवाओ। हिमानी अब उन पैसों को ले लेती है और उन पैसों में से 3,000 रुपए रेखा को देते हुए उसे बोलती है, ये लो रेखा, तुम्हारे 3,000 रुपए, अब मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। अरे पर वो कैसे, मैंने तो तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे ना, ये तो बस 3 है, बाकी 2 कहाँ है? रेखा, वो मेरी बहन बहुत बीमार है ना, तो मैंने उसके इलाज के लिए 2,000 रुपए दे दिए, बाकी मेरी बहन भी तो तुम्हारी बहन जैसी है ना। हाँ हिमानी, कोई बात नहीं, बहन भूल जाओ उन पैसों को। हिमानी की खुशी का तो अब जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था, वो खुशी खुशी रेखा के पैसे लेकर बिकनी शॉपिंग को चली जाती है। जैसा वो चाहती ही यही थी वही होता है। अब वो बहुत सारी बिकनी लेती है और जैसे ही हिसाब लगाने लगती है तो परेशान होती हुई खुद से कहती है, अरे हिमानी, इन सब का टोटल तो 2,000 से ज्यादा हो रहा है, अब तू क्या करेगी, और इनमें से कोई ब्रा छोड़ भी तो नहीं सकती है ना, सब कितनी प्यारी है। तभी हिमानी का ध्यान जाता है कि एक ब्रा का टैग हल्का सा हिल रहा था, और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इस टैग को किसी तरह तोड़ के मजा ही आ जाए, और वो बड़ी मेहनत से उस टैग को तोड़ने में कामयाब होती है और ट्रायल रूम में जाके अपने कपड़ों के साथ उस बिकनी को भी पहन कर चुरा लेती है। फिर अब क्या होना था, बिकनी चुराना तो उसकी आदत ही बन गया था। वो जब मन करे शॉपिंग पर जाती और टैग तोड़ कर बिकनी चुरा लाती। तभी एक दिन उसे रेखा मिलती है और उससे कहती है, अरे हिमानी कहाँ जा रही हो, और तुम्हारी बहन ठीक है या नहीं? अरे यार, बहन तो एकदम ठीक है। और बता, तेरी बिकनी खरीदने का बुखार उतरा कि नहीं? अरे अब तो मुझे एक ऐसा तरीका हाथ लगा है कि मैं बिना पैसे दिए जितनी मर्जी ब्रा चाहूँ ना उतनी खरीद के ले जा सकती हूँ। अरे वो कैसे? नहीं नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, डायरेक्ट दिखाऊंगी, चल मेरे साथ। अब दोनों सहेलियाँ शॉपिंग के लिए एक साथ निकल जाती हैं। तभी हिमानी कुछ बिकनी हाथ में लेती है और रेखा को एक ट्रायल रूम में घुसने का इशारा करती है। रेखा ये देखकर हैरान रह जाती है कि किस तरह से हिमानी किसी शातिर चोर की तरह बिकनी पर लगे हार्ट टैग को तोड़ रही है, और हिमानी ये देखकर कहती है, चल चल अब शर्मा मत, तेरा साइज बता, मैं जल्दी से तेरे लिए भी 4-5 बिकनी के टैग तो तोड़ ही दूंगी, आखिर तू मेरी दोस्त जो है, और वैसे भी तूने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी तो दिए थे ना। पर तेरी तो बहन बीमार थी ना, माँ कैसे? अरे यार वो छोड़ना, ये बता कितनों के टैग तोड़ूं? अरे नहीं नहीं रहने दे यार, मेरे पास अब भी बहुत बिकनी है, तू ले ले, तुझे लेना है तो।
रेखा समझ जाती है कि हिमानी बिकने के लिए कितनी पागल है और कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो दोनों मॉल से शॉपिंग करके बाहर निकल रहे थे कि तभी कपिल सामने से आ जाता है और दोनों को देखकर उन्हें रोकता है। अरे हिमानी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ तो बीमार थी ना, तुमको तो उनके पास होना चाहिए। अरे नहीं नहीं कपिल, हिमानी की तो बहन बीमार थी। अब वो क्या है ना, मेरी माँ बहन ने गोलगप्पे खा लिए थे, जिसे खाने के बाद वो दोनों ही बीमार हो गई। अब चलो ना यहाँ से। अब कपिल और रेखा को ये समझते देर नहीं लगती कि हिमानी बिकने के पीछे पागल हो गई है और झूठ बोलने और चोरी तक पे उतर आई है। फिर रेखा और कपिल मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करके हिमानी को सुधारना होगा, वरना वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। यार चल ना, आज हम फिर से बिकनी शॉपिंग पर चलते हैं और तेरे बॉयफ्रेंड कपिल को भी ले आते हैं। और वैसे भी तेरे पास तो पैसे बचाने की ट्रिक भी तो है ना। क्या बात है, अब तो तुझे भी बिकनी शॉपिंग की लत लग गई है। खैर नेक काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। अब प्लान के हिसाब से रेखा हिमानी को लेकर बिकनी शॉपिंग के लिए जाती है और कपिल भी वहीं पहुंच जाता है। हिमानी रेखा से ट्रायल रूम में उसके साथ चलने को कहती है तो रेखा बहाने बनाने लगती है। अरे यार तू जा ना, मेरे लिए भी कुछ बिकनी रख लियो और मुझे गेट के बाहर मिलियो, इतने में मैं और कपिल तेरा बाहर वेट करते हैं। अरे बाहर क्यों, तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हो मेरे साथ? बेबी वो क्या है ना, मैं ऐसे चोरी पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है। पहली बात तो ये चोरी नहीं है, आर्ट है और एक कला है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा पहली बार है ना, तुम एक काम करो, बाहर मेरा इंतजार करो। अब फिर क्या होना था, रेखा मौका पाकर एक हार टैग वाली बिकनी हिमानी के पर्स में डाल देती है और हिमानी को ये पता नहीं होता। दोनों बाहर उसका इंतजार करने लगते हैं। हिमानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत सारी बिकनी अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगती है एग्जिट मशीन बीप कर जाती है और स्टोर का मैनेजर वहाँ तुरंत आकर कहता है, मैडम आप बाहर नहीं जा सकती, आपको चेकिंग करवानी होगी। चेकिंग? कैसी चेकिंग? मैं तो यहाँ आती रहती हूँ और मैं यहाँ से क्या ही लूंगी? मैडम आप यहाँ रोज आती हैं लेकिन कुछ लेती नहीं है और मशीन बीप कर रही है, तो हमें चेकिंग करवानी होगी आपको। हिमानी की चेकिंग होती है और उसके पास से बहुत सारी छुपी हुई अलग अलग रंग की बिकनी निकलती है। उसके पास इतनी बिकनी होती है और उसका तमाशा बन जाता है। हिमानी बहुत शर्मिंदा होती है कि अब वो करे तो क्या करे। मैनेजर उसे जेल भिजवा देता है और तभी रेखा और कपिल उससे मिलने जेल में जाते हैं। अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो। हिमानी ये तो तुमको तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है, जो मिलनी भी चाहिए। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। तुमने न सिर्फ चोरी की बल्कि अपने दोस्तों से झूठ तक बोला, तुमने गलती की है तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम सजा भी भुगतो। अब दोनों हिमानी को ये कहकर अब वहाँ से चले जाते हैं। हिमानी दो दिन बाद जब जेल से छूटकर आती है तो फिर वो कभी चोरी भी नहीं करती और झूठ भी नहीं बोलती। इसी के साथ वो कपिल और रेखा से भी माफी ही नहीं मांगती बल्कि उनसे उधार लिए हुए पैसे भी पार्ट टाइम जॉब करके चुका देती है। ये कहानी है नीलम की, जिसकी शादी राघव नाम की लड़की से होती है, लेकिन नीलम की शादी के पूरे 4 साल हो चुके थे और उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक रोज नीलम की सास कमला अपनी बहू से कहती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इस लड़की से शादी करवाई अपनी बेटे की, जो आज तक मुझे एक वारिस तक नहीं दे पाई। अपनी सास की बात सुनकर नीलम रोने लग जाती है कि तभी उसका पति राघव वहाँ आता है और उसको चुप करवाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आप बार बार ऐसे क्यों बोलती हैं इसे, इसमें इसकी क्या गलती है? अगर ये माँ नहीं बन पा रही तो हम डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, अरे कौन औरत नहीं चाहती कि वो भी अपनी संतान को जन्म दे। अरे सारे डॉक्टर सारी दुनिया जहाँ में दिखा दिया इसको, लेकिन अब तो लगता है सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही हूँ इसके ऊपर, और ये तो कभी माँ नहीं बनेगी। राघव अपनी माँ की बात सुनकर नीलम को कमरे में लेकर जाता है और उसको बेड पर बैठाता है। उसको देखते हुए उससे कहता है, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो, और मैं क्या करूँ कि जिससे मैं माँ बन जाऊँ। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कमला अपनी पड़ोसन सरला से कहती है, सरला एक बात बता, तेरे बेटे की शादी के बाद तेरी बहू कब तक माँ बन गई थी? मेरी बहू तो 1 साल के अंदर ही पेट से हो गई और उसने लड़के को जन्म दिया है। क्यों, तू क्यों पूछ रही है वैसे ये सब? क्या बताऊँ, मेरे बेटे की शादी को आज 4 साल हो जाएंगे, लेकिन मेरी बहू अभी तक कोई वारिस नहीं दे पाई। सभी डॉक्टर को दिखा दिया,
लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा उसको। अरे इतना कुछ अपनी बहू का करवा लिया तो एक बार अपने बेटे का भी चेकअप करवा ले, क्या पता कोई कमी तेरे बेटे में ही हो। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे में कैसे कोई कमी हो सकती है, कमी बहू में ही है। सरला की बात उसे अच्छी नहीं लगती और वो उसको मना करती हुई अपने घर के अंदर आ जाती है। नीलम रसोई में खाना बना रही थी। कमला उसके पास जाती है और उसको गरम गरम कढ़ाई के पास धक्का दे देती है। नीलम को धक्का लगने की वजह से वो गरम गरम कढ़ाई को अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। नीलम चिल्लाती हुई अपनी सास को कहती है, माँ जी आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ। अरे मैंने क्या किया, मैं तो आ रही थी कि तुझे धक्का लग गया, तू मुझ पर इल्जाम भी लगाने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, एक तो बांध है और मुझसे जुबान लड़ाती है। अपनी सास की इन हरकतों से नीलम बहुत दुखी हो गई थी। नीलम अपने कमरे में जाती है और खुद को जान से खत्म करने के लिए फांसी लगाने लगती है। नीलम फांसी पर लटक ही रही थी कि तभी राघव वहाँ आता है और उसको फांसी के फंदे से नीचे उतारते हुए उससे कहता है, नीलम अरे नीलम रुको, अरे ये क्या करने जा रही थी तुम, अरे तुम ऐसा भी कर सकती हो, तुम खुद को खत्म करना चाहती हो। हाँ राघव, मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ, और तुमने क्यों बचाया मुझे, मर जाने देते ना, जब से आई हूँ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आज तक कोई खुशी नहीं दे पाई। अरे बाबा कोई बात नहीं, हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे जिससे सभी चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, और इस बार तुम अपना नहीं मैं अपना चेकअप करवाऊंगा, क्या पता कमी मुझ में हो। अब अगले दिन सुबह राघव नीलम को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर राघव से कहता है, हाँ जी क्या तकलीफ हो रही है आपको। दरअसल मुझे अपना और अपनी वाइफ का चेकअप करवाना है, हमारी शादी के 4 साल हो गए हैं और हम अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए हैं। राघव की बात सुनने के बाद दोनों का चेकअप होता है। देखिए राघव, रिपोर्ट्स के अनुसार कमी आप में ही है, इसलिए आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप उसको समय से ले लीजिएगा ताकि आपकी ये दिक्कत दूर हो जाए। ये सुनकर राघव को धक्का जरूर लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए नीलम को लेकर घर आता है और दोनों को साथ में देखकर कमला कहती है, कहाँ गए थे तुम दोनों। माँ हम डॉक्टर के पास गए थे। फिर से पैसे बर्बाद करके आ गया, अरे कभी माँ नहीं बनेगी ये, बांझ है बांझ। माँ हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने मुझ में कमी बताई है, माँ इसमें नीलम की कोई गलती नहीं है। राघव की बात सुनकर कमला का मानो जैसे मुंह ही बंद हो गया हो, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और राघव डॉक्टर की दी दवाई लेना शुरू करता है, उसका इलाज चलता है। ऐसे ही समय बीतता है और नीलम गर्भवती हो जाती है और बीतते समय के साथ वो दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। दोनों बच्चों को देखकर हॉस्पिटल में कमला लड़के को गोद में उठाती है और कहती है, ये है मेरा पोता, ये बनेगा मेरे घर का वारिस, बहुत इंतजार करवाया मेरे पोते ने मुझे। कमला अपने पोते को गोद में लेकर उसे खिलाने लगती है और अपनी पोती की तरफ देखती तक नहीं। नीलम समझ जाती है कि उसकी सास अपनी पोती से खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद नीलम हॉस्पिटल से अपने घर आ जाती है। ऐसे ही 7 से 8 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान कमला का भेदभाव जरा भी कम नहीं होता। ऐसे ही एक दोपहर दोनों बच्चे स्कूल से पढ़कर वापस आते हैं, तभी कमला का पोता अपनी दादी के पास जाकर उससे कहता है, दादी माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना, दादी माँ दीजिए ना कुछ खाने को। अरे ले मेरे पोते को भूख लगी है, रुक मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म मैगी बना कर लाती हूँ। कुछ देर में उसको खाने को देखती है। अपने भाई को मैगी खाते देखकर कमला की पोती कमला के पास जाकर उससे कहती है, दादी माँ मुझे भी मैगी खानी है, मुझे भी भूख लगी है दादी माँ, कुछ खाने को दीजिए ना। कमला रसोई में जाती है और जाकर कल रात की पड़ी रोटी गर्म करके अपनी पोती को देती है और उससे कहती है, ये ले खा ले ये रोटी, इतनी भूख लग रही है तो। नहीं मुझे ये रोटी नहीं खानी, मुझे भी मैगी खानी है भाई की तरह। जो दिया है चुपचाप खा ले, अपनी भाई की बराबरी करने की मत सोच, वो लड़का है और तू लड़की, लड़की की तरह रह, अभी से इतनी फरमाइशें कर रही है ना जाने आगे क्या करेगी। कमला ये सब बोल ही रही थी कि तभी नीलम वहाँ आ जाती है और ये सब देखने के बाद अपनी सास कमला से कहती है, ये सब क्या है माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ आप मेरे दोनों बच्चों में इतना भेदभाव करती हैं, आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा, बस इसलिए कि वो लड़की है, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपके पोते को भी जन्म देने वाली एक लड़की ही है, एक औरत ही है और आप खुद भी एक औरत ही हैं माँ जी। नीलम का इतना समझाना सब बर्बाद हो जाता है, वो अभी भी सिर्फ अपने पोते को ही पसंद करती थी, पोती को नहीं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब कमला के पोता पोती जवान हो जाते हैं।
लेकिन अब कमला का पोता बहुत ही अय्याश था और बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी कमला दिन रात अपनी पोती को सुनाती रहती और उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती। समय बीतता है और एक दिन नीलम और राघव एक साथ मंदिर जाते हैं और दोनों बच्चे अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद कमला घर में अकेली थी और अचानक उसके दिल में दर्द शुरू होता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जैसे तैसे उठकर टेबल से फोन उठाती है और अपनी बेटी बहू को कॉल करती है, लेकिन राघव कॉल नहीं उठाता। फिर वो अपने पोते को फोन करती है। अरे बेटा, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अचानक सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी से घर आ जा बेटा। अरे क्या है आपको, मुझे फोन क्यों किया है? तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो मुझे बता रही हो, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। किसी का कोई ठीक जवाब न मिलने पर कमला अपनी पोती को फोन करती है। कमला की पोती फौरन वहाँ आती है और अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ देर बाद जब कमला को होश आता है तो वो अपने आसपास सबको देखती है सिवाय अपने पोते के। ये देखकर कमला कहती है, मेरा पोता नहीं आया मुझे देखने। नहीं, वो नहीं आया, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में है। आपको हॉस्पिटल आपकी पोती ही लेकर आई है। इस तरह उसकी जरूरत के समय पर उसका पोता नहीं बल्कि पोती काम आती। ललिता और मोहित दोनों ही सुबह घर से निकलने के बाद रात को ही घर आया करते थे, क्योंकि ललिता और मोहित दोनों ही जॉब करते थे। मोहित अपनी गाड़ी से ललिता को ऑफिस छोड़ दिया करता था, लेकिन एक रोज रात के 8 बजे जब मोहित घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, जबकि उसकी पत्नी ललिता 7 बजे ही घर आ जाया करती थी। अब मोहित ताला खोलकर घर में जाता है और अपनी पत्नी ललिता को कॉल करता है। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही, कब से इसे फोन कर रहा हूँ, और अगर लेट हो रही है तो कॉल नहीं कर सकती क्या? अब करीब रात के 10 बजे ललिता घर पहुँचती है और उसका इंतजार मोहित कर रहा था, और मोहित ललिता को देखकर गुस्से में कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, घर समय से आया करो, और अगर लेट भी हो रही हो तो मुझे एक कॉल कर दो या मैसेज कर दो। मुझे पता नहीं चला कि तुम मुझे कॉल कर रहे थे और बाद में मेरा फोन ही बंद हो गया। मुझे भी लेट होता है लेकिन मैं समय पर आता हूँ, तुम क्यों लेट हो जाती हो? आप खुद अपनी कार में आते हो और मुझे कह रहे हो कि मैं लेट क्यों आती हूँ। अब मोहित अपनी कार की चाबी ललिता को देते हुए कहता है, अब से तुम मेरी कार से ऑफिस जाया करोगी। और मुझे जैसे ये चलाने ही आती है, मैं नहीं जाऊंगी ये चलाकर। मोहित ललिता के लिए एक ड्राइवर रखवा देता है जो उसे ऑफिस छोड़ने और लेने जाया करता था। अब ललिता भी समय से घर आ जाया करती, लेकिन कुछ समय बीतता है और मोहित नोटिस करता है कि उसकी बीवी उसे छुट्टी वाले दिन भी समय नहीं दे पा रही है। एक रोज सुबह मोहित अपनी पत्नी ललिता से रोमांटिक होकर कहता है, अरे आज तो छुट्टी है, कहीं घूमने चले, वो क्या है ना, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मौसम भी सुहाना है। नहीं नहीं मोहित, कैसी बातें कर रहे हो तुम, आज भी मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। लो रमेश आ ही गया। नमस्ते मैम साहब, चलें, आपको लेट हो जाएगा। तुमने मुझे रात में क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आज भी ऑफिस जाना है? अरे मुझे बोल देती, मैं आज तुम्हें ले जाता। रमेश को क्यों बुलाया? तुम कितने सवाल करते हो, बस भी करो, मुझे निकलना है, मैं रमेश के लिए कॉफी बना दूँ, उसे कॉफी पसंद है। क्या मतलब कॉफी पसंद है? अब तुम नौकरों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखने लगी हो, बहुत समय बिता रही हो ना इसके साथ, बस अपने पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना भूल जाती हो तुम। आप क्या बोल रहे हो, नॉर्मल सी बात है, उसे कॉफी पसंद है, इसमें इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है इसे। मोहित को लग रहा था कि मालकिन और ड्राइवर में कोई झोल चल रहा है, लेकिन छुट्टी वाले दिन ललिता घर पर भी नहीं रहती। अब ललिता के जाने के बाद पड़ोसन विमला का आना होता है और वो मोहित से कहती है, मोहित आज तो छुट्टी है तेरी, कहीं घूमने घुमाने नहीं गया बहू के साथ? नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। नहीं, वो आज भी ललिता को ऑफिस का कुछ काम था तो वो ऑफिस गई हुई है। बेटा कुछ कहो, बुरा तो नहीं मानेगा ना, वैसे तेरी बहू तेरे हाथों से निकल रही है, उस पर थोड़ा तो ध्यान दे दे, या सरला को ही घर बुला ले कुछ समय के लिए, वो रहेगी ना तो उस ड्राइवर के साथ उसका घूमना फिरना थोड़ा कम हो जाएगा। अब मोहित का शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी पत्नी का कुछ छोल नहीं बल्कि ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से अब जैसे ही ललिता घर आती है
साथ में रमेश भी होता है, तो मोहित ललिता से कहता है, छुट्टी के दिन अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे घर पर रहते हुए ऑफिस जाओ। ठीक है, कोशिश करूंगी। वैसे देखो, मैं आते वक्त आज शॉपिंग करके आई हूँ। ओ वाओ, ये शर्ट मेरी है और ये जीन्स भी बहुत प्यारी लग रही है। जी नहीं, ये रमेश का है। आपके पास तो इतने कपड़े हैं, उसके पास किसी पार्टी या कहीं आने जाने के लिए कुछ नहीं है। मैम साहब, ये सब लेने की क्या जरूरत थी, हम तो ये सब पहनते ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओ, मैंने तो सोचा ये मेरे लिए है। चलो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आ जाना। अब कुछ समय बाद ललिता कमरे में सोने आती है, वैसे ही रमेश का कॉल आता है और ललिता उससे बात करते हुए कहती है, हाँ रमेश, तुम पहुँच गए, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। इतना सुनने के बाद मोहित को बुरा लगता है कि उसकी पत्नी एक ड्राइवर के लिए उससे कितनी दूर हो गई है, वो भी अब उसे इतनी दूर हो गई है कि उसे ठीक से बात तक नहीं करती। और अब मोहित अपनी पत्नी को फिर से पाने की कोशिश करता है। अगली सुबह ही मोहित ललिता के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखता है और जैसे ही ललिता उठती है, वैसे ही मोहित अपनी पत्नी के लिए टेबल पर खाना लगा देता है। ये देखकर ललिता अपने पति से कहती है, क्या बात है, आज मेरे उठने से पहले तुमने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी तो फर्ज है अपनी पत्नी का ख्याल रखने का। जिम्मेदारियाँ जल्दी समझ नहीं आ गई तुम्हें? वैसे अच्छा है, मुझे मेड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ऑफिस निकलने के लिए ललिता रमेश को कॉल करती है, तो वो देखती है कि रमेश का नंबर ही नहीं है उसके फोन में। और ये देखकर ललिता अपने पति मोहित से कहती है, सुनो, रमेश का नंबर हो तो दे दो मुझे, फोन में उसका नंबर नहीं मिल रहा। अब से मैं ही तुम्हें लेने जाऊंगा और छोड़ने भी, क्योंकि हम थोड़ा समय तो साथ में बिता ही सकते हैं। बिताने को बहुत समय था, लेकिन अब वो समय कहाँ रहा। मोहित, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम मेरी चिंता ना करो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ मेरी ही कार में जाओगी। अब मोहित अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़ने और लाने भी जाने लगा और उसके साथ काफी ज्यादा समय बिताता। लेकिन देर रात जब दोनों घर आते तो देखते हैं कि घर का ताला खुला हुआ है और घर में कोई है। जब मोहित किचन में जाता है तो वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसकी माँ सरला बिना बताए ही उसके घर में आई है। और मोहित सरला को देखकर कहता है, माँ आप आई, आपने बताया भी नहीं, मैं तो डर ही गया था कि मेरे घर में ऐसे कौन घुस आया है। माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप, हमें बता दिया होता हम लेने आ जाते आपको। नहीं बहू, तू कैसी है, मैं तो अच्छी भली हूँ। अब सरला के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था, लेकिन सरला अपनी बहू की उदासी को भाप जाती है और एक रोज मोहित के आने के बाद उससे कहती है, बहू मैं जब से आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू उदास उदासी रहती है, कोई बात हो गई है क्या। नहीं नहीं माँ जी, सब अच्छा है, आप बताओ गाँव में सब कैसे है। बहू मैंने अपनी बेटियों को पाला है, मुझे समझ आता है कब कौन कैसा है। इतना सुनने के बाद ललिता अपनी सास के गले लगकर रोते हुए उससे कहती है, माँ जी मुझे कुछ समय पहले आपके बेटे मोहित ने कहा मेरा चक्कर है एक ड्राइवर के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बात मोहित ने मुझे भी कही थी और उसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन मोहित तो खुद कभी कभी रात रात को जब घर नहीं आते तो मैंने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि आप रात भर कहाँ थे, बल्कि मैंने तो उन्हें खुद ही किसी के साथ देखा है कई बार। बहू मैं मानती हूँ कि ये सब सच है जो तू कह रही है। माँ जी आपको कैसे पता ये सच है, किसने बताया ये सब आपको। खुद मोहित ने कहा है ये सब मुझे, और अब वो इस बात का पछतावा कर रहा है कि उसे एहसास है अपनी गलती का। माँ जी अब वो कुछ भी करे, लेकिन मुझे अब उन पर भरोसा नहीं रहा। मोहित ललिता को खुश तो रख पाता है, लेकिन उनका वो प्यार अब लौट कर नहीं आता जो पहले था। और ड्राइवर के साथ ललिता को इसलिए भी अटैचमेंट हो गया था क्योंकि वो अपनी मालकिन की बातों को समझा करता था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।